हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड आर्ट विद सोनी। वंस अगेन आज मैं आपके साथ लेकर आ गई हूँ बहुत ही टेस्टी सी फ्रूटी की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, मैंगो फ्रूटी जो कि हम बाजार से लाते हैं, जो कि होती है बच्चों की फेवरेट, और हम बड़ों ने भी इसे कभी ना कभी जरूर से टेस्ट किया है। लेकिन आज हम बना रहे हैं इसका हेल्दी वर्जन, जो बिना किसी प्रिजर्वेटिव के हम घर पे बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़े साइज का पका हुआ आम लिया है, साथ ही साथ मैंने इसके 1/3 के साइज का कच्चा आम लिया है जो कि ज्यादा खट्टा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट में आम अब बहुत कम रह गए हैं, सीजन मैंगो का खत्म हो चुका है, तो कच्चा वाला जो आम है वो ज्यादा खट्टा नहीं है, साथ ही जो बड़ा वाला आम है वो बहुत ज्यादा मीठा है। तो उस अकॉर्डिंग आप 1:3 या 1:4 के रेशियो में दोनों आम को यूज करें। दोनों को ही मैंने पील ऑफ करके छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और अब हम इसे ब्लेंडिंग जार में डाल करके इसका स्मूथ सा प्योरी तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 4 स्पून शुगर ऐड किया है। मैंगो की खटास के हिसाब से आप शुगर जितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लेंड करने के बाद हमारा फाइन सा स्मूथ प्योरी बनके तैयार है। यहाँ मैंने कढ़ाई को हल्का सा गर्म कर लिया था, फ्लेम लो रखा है और इसमें हम प्योरी को ट्रांसफर कर देंगे। साथ ही साथ मैंने जार में थोड़ा सा पानी डाल करके जो उसमें लगा हुआ मैंगो पल्प था उसको भी कढ़ाई में डाल दिया है। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है, जब तक कि इसका जो कलर है वो हल्का ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं करीब 3 मिनट मैंने इसको पका लिया है और इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, साथ ही साथ इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और चला करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे। दोस्तों करीब 4 से 5 मिनट में हमारी फ्रूटी जो है वो बनके तैयार हो जाती है। घर की है तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। यहाँ मैंने बड़े बोल में इसको ट्रांसफर कर दिया है, ये एकदम ठंडा हो चुका था। कढ़ाई में भी जो थोड़े बहुत लगे हैं उसमें मैं पानी डाल करके इसे भी बोल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। इसे हम मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं आप इसका कलर और जो थिकनेस है कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा कलर आया है और देखने में ही ये मन कर रहा है कि अभी मैं पी लूँ। अब यहाँ मैंने करीब 1 बड़ा कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे अच्छे से, फिर हम इसे सर्व करेंगे। दोस्तों झटपट से सिर्फ 2 आम से करीब 1 लीटर मैंगो हमारा फ्रूटी जो है वो बनके तैयार हो जाता है। तो इसे घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए और ट्रस्ट मी ये मार्केट वाले फ्रूटी से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी तो है ही। तो अगर इसको बनाने के बाद पीने के बाद आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।